अफजल अशगाल खिदमत उन्नास, बेहतरीन अमल इंसानियत की खिदमत है। तारीख की सतूर पर तिजारत, सखावत और खिदमात का तवील सफर तय करने वाली मेमन बिरादरी ने 16वीं सदी में नूरे इस्लाम से मुनव्वर होकर सिंध से हिजरत करके कच्छ काठियावाड़ को अपना वतन बनाया और अपनी मूरसी खसूसियत की बिना पर तावुन यकजहती कायम करके इंसानियत की खिदमत का आगाज किया। 19वीं सदी की कहत साली, तिजारत और 20वीं सदी की बर सगीर में होने वाली सियासी तब्दीली, नई ममलिकत का वजूद और तेज रफ्तारी से बरपा होने वाली तरक्की के पेश नजर इस बिरादरी के पेशराव नकल मकानी करके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हुए, लेकिन अपने रिवायती जज्बा खिदमत को मुख्तलिफ समाजी इदारों के तहत कायम दायम रखा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद होकर सनत और तिजारत में आला मकाम हासिल करने वाली इस बिरादरी ने हमेशा मस्जिद की तामीर को अपना वलीन फर्ज समझा। इन मसाजिद का बेशतर हिस्सा सिंध में है। इनमें कदीम तरीन मस्जिद सन 1802 में मटियारी में तामीर की गई। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिना की बादरे इल्मी ओखाई मेमन मस्जिद और सिंध मदरसतुल इस्लाम के अलावा अजीमुशान मेमन मस्जिद कराची, मीनारे मस्जिद मुंबई, हनफी मेमन मस्जिद कोलम्बो, मेमन जामे मस्जिद मुम्बासा, जुमा मस्जिद डरबन, काका अब्दुल लतीफ बाबानी की तामीर करदा बैतुल मुकर्रम मस्जिद ढाका और डॉक्टर इस्माइल मेमन की न्यूयॉर्क में दारुल उलूम अल मदीना की तामीर से न सिर्फ इस्लामी अकदार उजागर हुई बल्कि माशरे के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान यकानकत, खलूस और भाईचारे को फरोग हासिल हुआ। साउथ अफ्रीका के हाजी इब्राहिम दादा ने कराची में 150 एकड़ जमीन दारुल उलूम को अतिया करके और अब्दुल करीम बोचिया ने 1934 को जापान के शहर कोबे में पहली मस्जिद तामीर करके इस्लामी निशातुस्सानिया का एक नया बाब खोला। ये मस्जिद मेमन बिरादरी की दुनिया भर में अंजाम दी जाने वाली खिदमात का मुंह बोलता सबूत है। मस्जिद मदारिस की तामीर से फलाही उमूर का आगाज करने वाली मेमन बिरादरी की खिदमात यहीं तक महदूद नहीं बल्कि इस बिरादरी ने इंसानी हमदर्दी के तहत लाजवाल समाजी खिदमात का सिलसिला शुरू किया। أشهد أن محمد رسول الله सन 1908 में हाजी साबू सिद्दीक ने मुंबई में हाजियों की खसूसी सहूलत के लिए वसी औरीज मुसाफिर खाना तामीर करवाया और यूसुफ हुसैन दादा फैमिली ने कराची में हुसैनी यतीम खाना कायम किया। मजीद भारत और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अलावा डरबन, कोलम्बो, मुम्बासा और लंदन में मेमन बिरादरी के कम्युनिटी सेंटर और दीगर फलाही इदारों के अमली नमूने बिखरे हुए हैं। मेमन बिरादरी की दौरे हाजिर में समाजी खिदमात का एक हिस्सा अस्पतालों और मुफ्त इलाज मुआलजे के लिए भी वक्फ है। आयशा बाई हाजी अबू क्लिनिक एंड हाजरा बाई पोपटानी मेडिकल विंग मुम्बासा, जाफर सुलेमान ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर मुंबई, एम ए रंगून वाला कॉलेज ऑफ डेंटल सर्जरी पूना, नूर अस्पताल मुंबई और कराची में पटेल अस्पताल, टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट, कतियाना मेमन अस्पताल, बांटवा मेमन अस्पताल, उस्मान मेमोरियल अस्पताल, जुबैदा अस्पताल और मेमन अस्पताल के अलावा कई अस्पताल, शिफाखाने और डिस्पेंसरियां शब और रोज दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ अमल हैं। यह हकीकत रोज रोशन की तरह आया है कि किसी भी मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की में तालीम का शोबा नहायत ही अहम होता है। यही वजह है कि तालीम का फरोग हमेशा ही से मेमन बिरादरी की खिदमात का अहम और लाजमी जुज रहा है। स्कूलों और कॉलेजों की अनगिनत तादाद इल्म के वो चिराग हैं जो मेमन बिरादरी ने दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में रोशन किए। सर मोहम्मद यूसुफ इस्माइल ने 1910 को मुंबई के करीब जजीरे नहासा में जहाजरानी से मुतालिक तालीम के लिए नॉटिकल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट कायम किया जो उस वक्त अपनी नौयत का अव्वल वाहिद कॉलेज था। लतीफ इब्राहिम जमाल मरहूम ने कराची यूनिवर्सिटी में हुसैन इब्राहिम जमाल केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट कायम किया जो पूरी दुनिया में कीमिया की तहकीक के हवाले से माना जाता है। मजीद कराची यूनिवर्सिटी में लतीफ इब्राहिम जमाल साइंस सेंटर का क्याम भी उन्हीं की मरहून मिन्नत है। कराची में दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज, मुंबई में साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और मुम्बासा में कायम मेमन कॉलेज भी मेमन बिरादरी की अजीम खिदमात का हिस्सा है।
सर आदम जी दाऊद ने कलकत्ता, मुंबई और कराची में मेमन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी कायम करके फरोग इल्म की नई राहें रोशन की और हाजियानी खदीजा बाई ने रौनक इस्लाम नामी कई तालीमी इदारे कायम करके पाकिस्तान में तालीम निस्वा के फरोग में अहम किरदार अदा किया। हाजी सुलेमान इब्राहिम ट्रस्ट साउथ अफ्रीका की खिदमात भी तालीम के शोबे में काबिल तहसीन रही है। मेमन बिरादरी की खिदमात का दायरा कार सिर्फ मसाजिद, स्कूलों और अस्पताल की तामीर तक महदूद नहीं बल्कि इस बिरादरी ने उम्मत मुस्लिमा और दुखी इंसानियत के हर नाजुक मरहले पर खिदमात का अमली नमूना पेश किया। कुदरती और नागहानी आफात में भी इस बिरादरी का किरदार नाकाबिल फरामोश रहा है। 1934 ईस्वी में बिहार और 1935 में कोयटे के मुतासरीन जल्जले की इमदाद के लिए अब्दुल सत्तार नबी वाला की सरबराही में मेमन रिलीफ कमेटी कलकत्ता ने वो नाकाबिल फरामोश खिदमत अंजाम दी जिनका कोई नेमुल बदल नहीं। मेमन बिरादरी की इन खिदमात को राजेंद्र प्रसाद और गांधी ने भी खिराज तहसीन पेश किया और वॉयसराय ऑफ इंडिया ने उनकी खिदमात के एतराफ में अब्दुल सत्तार नबी वाला को आला सिविल एजाज कसर हिंद से नवाजा। साबिक मशरकी पाकिस्तान में मुतअद्दिद बार समंदरी तूफान और सैलाब की तबाहकारियों में चिटागोंग की मेमन बिरादरी इमदादी सरगर्मियों में सफे अव्वल रही और 2001 में कच्छ और भज में मुतासरीन जिलजिला की इमदाद में भारत की मेमन बिरादरी पेश पेश रही। सन 2004 को सुनामी ने श्रीलंका समेत मुतअद्दिद ममालिक में तबाही मचा दी। इस नाजुक मरहले पर मेमन एसोसिएशन श्रीलंका ने खिदमत इंसानियत के तहत इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेकर नई तारीख रकम की। मेमन बिरादरी की तारीख में खिदमत इंसानियत का एक बाब अब्दुल सत्तार ईदी की अजीम शख्सियत है जिनकी खिदमात पाकिस्तान में 24 घंटे एम्बुलेंस सर्विस, तिब्बी सहूलतों की फराहमी और लावारिसों को सहारा देने तक ही महदूद नहीं बल्कि ये शख्सियत हर नागहानी और कुदरती आफत में दुनिया के हर गोशे में मसरूफ अमल नजर आती है। मेमन बिरादरी की इस मोतबर शख्सियत को बेलौस खिदमात के एतराफ में आलमी इदारा हुकूक इंसानियत के अलावा कई ममालिक ने एजाजात से नवाजा। खिदमत इंसानियत की अनथक दास्तान जो मेमन बिरादरी के हर खानदान से जुड़ी हुई है और दुनिया के गोशे गोशे में आबाद इस बिरादरी का एक एक फर्द हम वक्त खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार और इंसानियत की फलाह को अपना नस्बुलैन बनाए हुए है। दुनिया भर में फलाह इंसानियत के लिए अंजाम दी जाने वाली मेमन बिरादरी की खिदमात को बैनुल अक्वामी सतह पर मुनज्जम करने और उसके वसतकार के लिए 28 अप्रैल सन 2001 को जनाब सेठ लतीफ इब्राहिम जमाल मरहूम, जनाब अब्दुल रजाक टेस्टी शहीद, जनाब अब्दुल रजाक ARY, जनाब अबू बकर कासिम और जनाब आदम नूर जैसे मेमन बिरादरी के दूरंदेश काबरीन दुबई में तारीख साज पहला मेमन इंटरनेशनल कन्वेंशन मुनक्कद करके वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का क्याम अमल में लाए जिसकी इस कन्वेंशन में शरीक 20 ममालिक के 200 से जायद मंदुबीन ने भरपूर तायद की। 31 मार्च सन 2002 को दूसरा मेमन इंटरनेशनल कन्वेंशन दुबई ही में मुनक्कद करके उसका दस्तूर बरतानिया में सेक्रेटेरिएट और खिदमत इंसानियत के लिए उसके 7 चैप्टर तश्कील देकर इस मिशन का आगाज किया। द मिशन ऑफ द WMO इज टू एक्ट एज द सेंट्रल मेमन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द मेमन कम्युनिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड टू प्रमोट द एडवांसमेंट, अपलिफ्टमेंट, यूनिटी, वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ मेमन्स इन द वर्ल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड एट ऑल टाइम्स इन अकॉर्डेंस विद एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स।